प्रमोशन लीग टूर्नामेंट में भाग लेने आई टीमों ने निकाला स्वच्छता अभियान रैली। कसरावद तहसील के ग्राम बोरावा में आयोजित वुमन प्रमोशन हॉकी टूर्नामेंट में भाग लेने आई टीमों द्वारा कसरावद में स्वच्छता अभियान रैली निकाली गई। रैली कसरावद न्यायालय परिसर से निकाली गई, जिसे न्यायाधीश राकेश भिड़े एवं एसटीएम संघप्रिय द्वारा झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली में इंदौर, बड़वानी, खरगोन और देवास से आई टीमों ने भाग लिया। इस अवसर पर नगर परिषद सीएमओ संजय रावल, डॉक्टर शिरीष जायसवाल, अभिभाषक अक्षय राठौर, पैरालीगल वॉलेंटियर अकील खान, देवदत्त एकल सहित न्यायालय कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सर, आज गर्ल्स हॉकी टीम ने कसरावद में जो मार्च पास्ट किया, रैली निकाली, क्या उद्देश्य था सर? आज से खरगोन में आज से कसरावद में जो वीमेंस हॉकी प्रमोशन टूर्नामेंट चालू हो रहा है, जिसमें चार टीमें लीग मैच खेलेंगी, उसी के उद्घाटन के पूर्व आज स्वच्छता रैली निकाली गई। और एक ये परंपरा सी बना रखी है गर्ल्स हॉकी एकेडमी के द्वारा कि हम जहाँ भी कोई भी आयोजन होता है उसमें बालिका हॉकी खिलाड़ी उस नगर में स्वच्छता का संदेश लेकर के एक मार्च करती हैं, जिसमें स्थानीय स्तर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों का, स्थानीय नगर परिषद का हमको पूरा सहयोग प्राप्त होता है। तो खेल के साथ में इस तरह से एक राष्ट्र सेवा का अवसर भी प्राप्त होता है, वही आज उद्देश्य है। आपका परिचय? मैं अनिल पांडे, सचिव जिला महिला हॉकी एकेडमी खरगोन। कोच भी है शायद आप? जी हाँ, मैं कोच। सर, ये जो महिला हॉकी के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं, क्या लगता है सर कुछ प्रतिभाएं आपको निकल के आ रही हैं? खरगोन, बड़वानी, धार, खंडवा, अलीराजपुर, झाबुआ, ये पूरा आदिवासी बेल्ट है और अभी तक इस पूरे क्षेत्र को कहीं ना कहीं खेल की दृष्टि से देखा जाए तो जो इस प्रोत्साहन मिलना था वो ना तो राज्य के द्वारा मिला, ना ही केंद्र के द्वारा मिला, और ये लंबे समय से होते रहा है। इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में प्रतिभाएं पड़ी है, आवश्यकता है उनको वो मंच मिले, संसाधन मिले, ये बच्चियां, ये खिलाड़ी देश में, पूरे भारत में क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे, बशर्ते इनको अवसर मिले और